दोस्तों OTT में रिलीज हुई थी कल की मूवी पिछले हफ्ते, तो भाई साहब आखिर किस तरीके का दोस्तों इसको व्यूज मिला है, आखिर ये नेटफ्लिक्स में ट्रेंड कर भी रही है या नहीं। वहीं इसके अलावा दोस्तों 5 साल हो चुके हैं शाहो मूवी के, यहाँ पे फैंस शाहो मूवी को दोस्तों सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी स्टार के फ्लॉप मूवी को लोग यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि अगर आप लोग एज अ बॉक्स ऑफिस के हिसाब से देखते हो तो भाई इस मूवी ने बजट से तो ऊपर कमाई की थी। तो गाइज यहाँ पे हम लोग शाहो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों आपको बताएंगे कि उसने उस वक्त किस तरीके के दोस्तों तबाही मचाई थी। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है भाई साहब नेटफ्लिक्स में यहाँ पे कल की मूवी का। देखो भाई बहुत से ऑडियंस बढ़ चुके हैं क्योंकि Amazon प्राइम में भी इस मूवी को रिलीज़ किया गया है बाकी लैंग्वेज में, सिर्फ हिंदी वर्जन में ये नेटफ्लिक्स में दोस्तों रिलीज़ हुई है। जबकि बाकी मूवीज़ का ऐसा होता है हिंदी मूवीज़ का, लाइक एनिमल वगैरह या फिर लाइक लापता लेडीज़, जो मूवी सिर्फ हिंदी में आती है, एनिमल तो वैसे अदर लैंग्वेज में भी आई थी, तो उनको सबटाइटल के साथ लोग देख लेते हैं, तो गाइस काफ़ी अच्छा उनको बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पे जिसको तमिल में देखना है वो Amazon प्राइम में जाए, जिसको तेलुगु में देखना है तो वो वहाँ जाए, मलयालम में देखना है वो Amazon प्राइम में जाए। तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम लोग देखें अभी तक के हिस्ट्री ऑफ नेटफ्लिक्स इंडियन मूवीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो गाइज़ यहाँ पे महाराजा जो मूवी है इसको लगभग 19.7 मिलियन सबके रिकॉर्ड को दोस्तों धुआंधार इसने मतलब गाइज़ सबके रिकॉर्ड को तोड़ दिया और ऑलमोस्ट 20 मिलियन के करीब दोस्तों आप लोग समझ लो कि इसके व्यूज़ हैं। 20 मिलियन नेटफ्लिक्स एज अ ग्लोबली दोस्तों बहुत गजब है, मतलब दुनिया भर से लोगों ने इसको बहुत अच्छा प्यार दिया है। फिर क्रियू मूवी, अब ये मूवी इस लिस्ट में क्या कर रही है पता नहीं, मूवी ठीक थी लेकिन क्या गाइस इस लिस्ट में रहना डिजर्व करती थी आप लोग बताना, क्योंकि लगभग 18 मिलियन व्यूज़ आए थे इसके। उसके बाद लापता लेडीज 17.1 मिलियन, शैतान ने कुछ 14.8 मिलियन दोस्तों जो व्यूज़ है हासिल किए थे, फाइटर के 14 मिलियन, उसके बाद एनिमल 13.6 मिलियन, महाराजा विजय सेतुपति वाली है और महाराज यहाँ पे आमिर खान के लड़के वाले की मूवी है जिसको अच्छा खासा व्यूज़ मिला था 11.6 मिलियन, वो भी हिट रही थी, हालांकि क्रिटिक्स ने उतना सराहाया नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं डंकी का तो कुछ 10.8 मिलियन, भक्षक कुछ 10.4 मिलियन, गाइस इस तरीके के कुछ व्यूज़ काउंट रहे थे। आप लोग बोलोगे कि हमें क्यों सुना रहा है, वो इसलिए क्योंकि गाइस यहाँ पे जो कल की मूवी है इसने भी काफ़ी अच्छा फर्स्ट वीक एटलीस्ट दोस्तों जो व्यूज़ हैं वो हासिल किए। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सलार ने अपने पहले हफ्ते 1.6 मिलियन व्यूज़ हासिल किए थे नेटफ्लिक्स में हिंदी वर्जन की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो। गाइस नेटफ्लिक्स में उसने उस वक्त तीसरा स्थान प्राप्त किया था गैर इंग्लिश वर्जन वाली मूवीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि वो मूवी जो इंग्लिश में ना हो। तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि वो तीसरा स्थान हासिल की थी, और गाइज यहाँ पे अगर हम लोग कल की बात करते हैं तो इसने अपने पहले ही हफ्ते यानी कि डेब्यू ही वीक में 4.5 मिलियन दोस्तों व्यूज़ हासिल किया है, जो कि यहाँ पे सलार के 3 हफ्तों से भी ज़्यादा है गाइज, यानी कि गाइज यहाँ पे सलार ने जो 3 हफ्तों में हासिल नहीं किया वो इसने 1 हफ्ते में ही हासिल कर लिया। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखें तो बताया जा रहा है कि इस हफ्ते भी ये कुछ 3.5 मिलियन व्यूज़ तो हासिल कर ही सकती है, यानी कि 4.5 और 3.5, 8 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, यानी कि ये कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि टॉप 5 के लिस्ट में तो आएगी ही आएगी, 14-15 मिलियन व्यूज़ कहीं नहीं गए। तो गाइज़ यहाँ पे अगर ये मूवी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में सारे लैंग्वेज में आ जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी अलग तरीके के नज़ारे होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो मूवी है ये सेकंड पोजीशन में दोस्तों फर्स्ट वीक ट्रेंड की थी ग्लोबली, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन दोस्तों नंबर है। इवन यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे तो दोस्तों नंबर एक में ट्रेंड कर रही थी ये मूवी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो मूवी है ये नेटफ्लिक्स में तो भाई ज़बरदस्त तरीके के दोस्तों हिट हुई है। Amazon प्राइम का क्या हाल है वो भाई मुझे पता नहीं है। खैर गाइस यहाँ पे प्रभास की ही एक और मूवी का दोस्तों आज 5 साल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि आज ही के दिन गाइस आज ही के दिन ये मूवी रिलीज़ हुई थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम लोग इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस में इसका परफॉर्मेंस ठीक था लेकिन एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं था। ये मूवी कुछ 30 अगस्त को दोस्तों रिलीज़ हुई थी, 30 अगस्त को,
और गाइज अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसकी रेटिंग, IMDb की रेटिंग 5 है, और गाइज अगर हम लोग रोटन टोमेटोज की बात करते हैं तो ये कुछ सिमिलर ही है आदि पुरुष के बराबर, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली दोस्तों 8% दोस्तों रोटन टोमेटोज में रेटिंग मिला था। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार ये बता कि इस मूवी ने कलेक्शन कितना किया था, तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग विकिपीडिया पेज की देखते हैं तो 350 करोड़ इसका बजट था और इस मूवी ने समथिंग कुछ 450 करोड़ के करीब दोस्तों कुछ कमाई की थी। यहाँ पे 419 करोड़ से 439 करोड़ के बीच के दोस्तों नंबर, यानी कि मेकर्स नुकसान में नहीं रहे। हालांकि ये नेट नंबर नहीं है, ये गाइज वर्ल्ड वाइड नंबर है। और अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों साहो की ओपनिंग की बात करते हैं तो एज अ टेक्निक रिपोर्ट्स इस मूवी ने फर्स्ट डे 89 करोड़, जाइस 8 और 9, 89 करोड़ दोस्तों इसने नेट कलेक्शन हासिल किया था। हिंदी से कुछ 24.5 करोड़ रुपये, तमिल से कुछ 3.20 करोड़, और तेलुगु से इस मूवी ने 60 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। मलयालम से भी 1 करोड़ रुपये आया था, यानी कि गाइज इस मूवी ने ऑलमोस्ट 90 करोड़ की नेट कमाई की थी। इस मूवी का ग्रास वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्सिमेटली 130 करोड़ दोस्तों रहा था, जो कि अपने आप में उस वक्त एक बड़ा नंबर था दोस्तों, बहुत ही बड़ा नंबर। सेकंड डे ये कमाई दोस्तों 38% गिरती है, शनिवार के दिन 55 करोड़ का कमाती है, संडे के दिन गाइज ये मूवी 56 करोड़ रुपये की कमाई करती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो नेट कलेक्शन अगर हम लोग लाइफ टाइम देखते हैं तो वो कुछ इंडिया नेट 310 करोड़ था, 310 करोड़ 60 लाख रुपये, जाइज यानी कि ये मूवी कुछ बजट के बहुत नज़दीक चली गई थी। तो इसको एवरेज कहेंगे, फ्लॉप नहीं कहेंगे दोस्तों हम लोग। अगर हम लोग ओवरसीज की बात करते हैं तो कुछ 92 करोड़, और इस मूवी ने एज अ टेक्निक रिपोर्ट्स 451 करोड़ रुपये की कमाई की थी। विकिपीडिया अलग कह रहा है लेकिन टेक्निक रिपोर्ट्स काफ़ी ठीक होते हैं। तो गाइज यहाँ पे 450 करोड़ रुपये कमाना, और मुझे लगता है कि हिंदी और गाइज हिंदी के जो नेट कलेक्शन का लाइफ टाइम था वो कुछ आप लोग कह सकते हो कि 150 करोड़ के गाइज ऊपर था। जब गाइज अगर हम लोग आपको बताएं तो 145 करोड़ 67 लाख रुपये, 145 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 150 करोड़ के नज़दीक था। तो गाइज यहाँ पे ये जो मूवी है ये इतनी बेकार रेटिंग के बावजूद भी, इतने मिक्स रिव्यूज़ के बावजूद भी इतना कलेक्शन दोस्तों की, यही ओम राउत कह रहे थे कि प्रभास हैं फ्लॉप प्रूफ सुपरस्टार और सलमान खान भी। तो गाइज प्रभास के फैंस आपका क्या कहना है इसमें, आप लोगों को ये मूवी अगर आपने देखी थी उस वक्त तो क्या लगता है गाइज, क्या इस मूवी के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, क्या ऑडियंस ने इसको मतलब पूरी तरीके से नकार दिया था, या फिर ये मूवी थी ही बेकार? बताओ गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।